हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद तकनीकी कर्मचारी संघ जोन नूरपुर की आपातकालीन बैठक जसूर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता रणजीत शर्मा तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रभारी जिला चंबा व कांगड़ा ने की, जिसमें नूरपुर जोन की सभी इकाइयों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद तकनीकी कर्मचारी संघ जोन नूरपुर की आपातकालीन बैठक जसूर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता रणजीत शर्मा तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रभारी जिला चंबा व कांगड़ा ने की, जिसमें नूरपुर जोन के सभी इकाइयों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सभी पदाधिकारियों ने बोर्ड के प्रबंध निदेशक ईजेपी काल्टा और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष तकनीकी कर्मचारी संघ व वर्तमान में प्रभारी भामस के उपाध्यक्ष के प्रति गलत बयानबाजी करने वाले तथा कथित यूनियन के नेता की कड़ी आलोचना की तथा कहा कि ये तथा कथित यूनियन के नेता की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। रजनी शर्मा ने कहा कि ई काल्टा ने नेतृत्व में पिछले कई वर्षों बाद विद्युत बोर्ड घाटे से उबर रहा है, वे एक अच्छे कार्यकुशल अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि तथा कथित यूनियन के पदाधिकारियों का जब भी कोई तबादला होता है तो वे बोखलाहट में बयानबाजी करते हैं, इसके बजाय कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कर्मचारियों की समस्याओं का हल आज तक कभी नहीं करवा सके। उन्होंने कहा कि सभी तकनीकी कर्मचारी एमडी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं तथा वे उनके बाद तकनीकी कर्मचारी संघ के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। मैं रंजीत शर्मा, हिमाचल प्रदेश तकनीकी कर्मचारी संघ जिला चंबा एवं कांगड़ा का प्रभारी। आज हमारी आपातकालीन बैठक जो जसूर में हमने रखी थी, उसका हमने जो हमारे एमडी महोदय जेपी काल्टा जी एवं हमारे पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रहे तकनीकी कर्मचारी संघ के मोहन लाल ठाकुर जी के प्रति एक तथाकथित यूनियन के नेता ने जो बयानबाजी की है, उसका हमने कड़ा विरोध एवं भर्त्सना की है एवं हमने जो हमारे एमडी महोदय हैं, जब से उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है तब से बिजली बोर्ड जो है लाभ की स्थिति में पहुंचने जा रहा है और उनके प्रति जो उनकी गलत बयानबाजी है उसकी हम कड़ी आलोचना करते हैं। हमारे पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रहे श्री मोहनलाल ठाकुर जी जो कर्मचारी हितैषी रहे हैं एवं कर्मचारियों की बहुत सी समस्याओं का समाधान उनके कार्यकाल के दौरान में हुआ है एवं वो आज भी कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा साथ मिलाकर खड़े हैं। हम उनके साथ चट्टान की तरह तकनीकी कर्मचारी संघ के साथ एवं एमडी महोदय के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं एवं हम जो तथाकथित नेता जिन्होंने ऐसी बयानबाजी करते हैं उसकी कड़ी आलोचना करते हैं तथा उन्हें चेताते हैं कि अगर दोबारा से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसको जो कर्मचारी हितैषी नेता हैं उनके प्रति ऐसी गलत बयानबाजी की तो हम उनकी कड़ी आलोचना करेंगे एवं उनके जो उनका डिवीजन ऑफिस है वहाँ जाकर सभी तकनीकी कर्मचारी संघ प्रदर्शन करेंगे व उनका घोर आलोचना करेंगे एवं घेराव करेंगे।